बोलता है इंडिया का बच्चा नेपाल में क्यों पढ़ने आते हो, तेरे तुम लोगों का पढ़ने का ये स्कूल नहीं है इंडिया का बच्चा का। जनगण मन आता है? नहीं आता है हमको। भारत माता की जय? नहीं। ये सब सुने हो कभी? नहीं, कभी नहीं सुने। वंदे मातरम? नहीं सुने कभी। सारे जहाँ से अच्छा? नहीं सुने कभी। नेपाल वाला गाना आता है? आता है। बोलना दो लाइन गाना। सोयतुंगा फूल कहाँ में उठे माला नेपाली। भारत के बड़े बड़े लोग गुजरे, जैसे महात्मा गांधी के बारे में सुने हो? नहीं सुने हम लोग कभी। नहीं सुने? नहीं। जवाहरलाल नेहरू? नहीं। नेपाल के का कोई बड़ा आदमी के नाम सुने हो? सुने हैं, लेकिन पुष्पक कमल दाल है। पुष्पक कमल दाल वहाँ का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री था पहले। अच्छा। नेपाल का अभी तो नहीं है पुष्पक कमल दाल, अभी दूसरे है। विकास कहाँ हो? मेरा नाम है रमेश कुमार गणेश। साहिबा शाहनवाज आलम। अमरुद्दीन अहमद गुलबहार। ये गांव है भारत का, बिहार राज्य का, किशनगंज जिले का, ठाकुरगंज प्रखंड के दल्ले गांव पंचायत का पाठामारी गांव है। और यहाँ के बच्चे नेपाल का गुणगान गा रहे हैं। देशभक्ति की जब भी देश में बात होती है, निशाने पे पाकिस्तान होता है, लेकिन यहाँ के सरकार ने कभी नहीं देखा कि यहाँ के बच्चे कैसे नेपाल का गुणगान गा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की सरकार ने यहाँ के बच्चों के लिए कभी स्कूल बनाया ही नहीं, तो मजबूरी में बच्चे बॉर्डर के उस पार नेपाल के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और नेपाल का गुणगान गा रहे हैं। हम सिक्स में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? श्री कचन कौल विद्यालय मंदिर में। अच्छा। ये जो जनगण मन आता है? नहीं आता है हमको। भारत माता की जय? नहीं। ये सब सुने हो कभी? नहीं, कभी नहीं सुने। वंदे मातरम? नहीं सुने कभी। सारे जहाँ से अच्छा? नहीं सुने कभी। नेपाल वाला गाना आता है? आता है। बोलना दो लाइन गाना। सोयतुंगा फूल कहाँ में उठे माला नेपाली, स्वर्ग भूमि फैली एका मेची महाकाली, प्रति का कोटि कोटि संपदा को आचल, बिहरु गुरग तल स्वतंत्र आचल, ज्ञान भूमि शांति भूमि तरै पार हिमल, अगंड प्यार हमरो मातृभूमि नेपाल, बहुल जाति भाषा धर्म शासन तीसन विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हमरो जय जय नेपाल। नेपाल के किसी बड़े आदमी का नाम सुने? जी। कौन कौन बताना? दो तीन बड़ा आदमी का नाम। यहाँ इंडिया का कोई बड़ा आदमी जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? पुष्पक कमल दाल है, अभी अभी भीम सिंह थापा है। भीम सिंह थापा क्या है? मंत्री है। अच्छा। पहले का। और इंडिया का कोई मंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम पता है? जी, एक का नाम है। किसका नाम? नरेंद्र मोदी। क्या है नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री है देश का। अच्छा। और किसी का नाम पता है? नहीं है। मुख्यमंत्री? नहीं है। नहीं है। मैं अभी 6 क्लास में पढ़ रहा हूँ। किस स्कूल में? नेपाल में। किस स्कूल में? श्री विद्यालय। अच्छा, श्री विद्यालय। हाँ। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे? वहाँ पे नेपाली पढ़ा जाता है, वहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ता है, वहाँ पे नेपाली पढ़ता है। इसलिए हम लोगों को इंडिया का है, हम नेपाल कैसे पढ़ सकते हैं? हमारा गांव पे एक स्कूल चाहिए हम लोगों को। हम तब हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी जाए तो हिंदी बोल सकते हैं। हम किधर भी जाए तो हम इस हिंदी बोलना चाहिए। हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं, नेपाल के स्कूल पढ़ने से हमको नेपाली आता है, हम लोग कैसे हिंदी बोल सकते हैं? हमें हमारा गांव पे एक स्कूल चाहिए। अच्छा, नेपाली पूरा सीख लिए हो? नेपाली बहुत सीख लिए हम लोग। सुबह का जो प्रार्थना होता है, अभी जो गा रहे थे सब कुछ, तो उसमें वो क्या, कब से याद है ये तुम्हें? बचपन से याद? ये तो बचपन से हमें याद है, सब लोगों को ये बचपन से ही याद है। जितना बच्चा है यहाँ पे सबको ये याद है बचपन से। जन गण मन याद है? हाँ, थोड़ा सा है, कभी कभी पढ़ लेते हैं वो सुन के गाँव के बच्चों से दूर वाले। स्कूल में जनगण मन तो कुछ नहीं, होता नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, वंदे मातरम याद है? वंदे मातरम नहीं याद है। सारे जहाँ से अच्छा? नहीं है, कुछ नहीं याद है। हमें तो नेपाल का याद होगा, कैसे वो इंडिया का याद होगा? हमारा पास में स्कूल नहीं है तो हम कैसे बंदे बोल सकते हैं? हमें तो बोलने भी नहीं आते हैं। हम लोग नेपाल का है, हम लोगों को नेपाली बोलने आएगा। नेपाल का जो सिखलाया गया है वो नेपाल का हम बोल सकते हैं। अच्छा, जो भारत के बड़े बड़े लोग गुजरे, जैसे महात्मा गांधी के बारे में सुने हो? नहीं सुने हम लोग कभी। नहीं सुने? नहीं। जवाहरलाल नेहरू? नहीं। नेपाल के का कोई बड़ा आदमी के नाम सुने हो? सुने हैं, लेकिन पुष्पक कमल दाल है। पुष्पक कमल दाल वहाँ का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री था पहले। अच्छा। नेपाल का अभी तो नहीं है पुष्पक कमल दाल, अभी दूसरे है। अच्छा। और कौन है?
और किस किस का नाम सुने? अभी विष्णु थापा है नेपाल का प्रधानमंत्री। अच्छा, इंडिया का, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत का प्रधानमंत्री मोदी है। अच्छा। ये तो हमें पता है क्योंकि हमारा गांव पे भी वोट होता है, इसलिए हमको पता होता है। अच्छा। पप्पा मम्मी जाते हैं वोट देने, इसलिए हमें पता होता है। अच्छा। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री वो तो नहीं पता है, हम लोग तो स्कूल नहीं पढ़ा तो वो कैसे पता होगा। सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, हम प्रधानमंत्री को जानते हैं। कहाँ पढ़ती हो? नेपाल स्कूल में। किस क्लास में? 4। कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा भाषा? सयथुंका। सयथुंका? हाँ। ये क्या है सयथुंका? हाँ? गीत है। अच्छा, गीत जो अभी गाए। और बच्चा सब परेशान करता है नेपाल में? करता है, बोलता है इंडिया का बच्चा नेपाल में क्यों पढ़ने आते हो, तेरे तुम लोगों का पढ़ने का ये स्कूल नहीं है इंडिया का बच्चा का, हम नेपाल के बच्चे हैं, हम नेपाल पढ़ेंगे, तुम लोग इंडिया में पढ़ो, अपना स्कूल बनाओ ना, बोलो घर पे गांव पे गांव के पास बोलो बनाने, इसलिए हम बोलता है कभी कभी प्रधानमंत्री बोल उसका बोलता है बोले इंडिया का बच्चा मत पढ़ाओ, कभी कभी चेकिंग भी आता है तो वो बोलता है इंडिया बच्चा को मत रखो। हम लोग वहाँ का जो चेकिंग आता है, पुलिस वुलिस आता है, चेकिंग आता है वहाँ का स्कूल में, बोलता है कभी कभी आता है वहाँ से पढ़ा भगाता तो नहीं है, बोलता है कंप्लेंट करता है इंडिया का बच्चा को मत पढ़ाओ, क्योंकि हम इसलिए पढ़ने जाता है मम्मी पापा भेज देता है इसलिए चले जाते हैं हम लोग, हमारा गाँव पे एक स्कूल चाहिए। हम लोग लड़ाई उड़ाई हुआ है वहाँ का बच्चा से? लड़ाई हमेशा होता है लड़ाई वहाँ पे, जब लड़ाई होती है इसी बात में, जब बोलता है बोले इंडिया का बच्चा क्यों आते हो नेपाल में, हम बोलता है हमारा भी तो हक होता है, हम बॉर्डर का है, हमारा भी हक होना चाहिए कभी कभी पढ़ने का, हम नहीं पढ़ेंगे तो हम ऐसे कैसे घूमता है फिरता रहेंगे, ये बोलते हैं हम उसको। हम जो ये गांव में पटामारी गांव में जो हम ये गरीबी स्थिति से, और हम जो ये जमीन दिए हैं 3-4 कट्ठा जमीन इतने दूर से लेकर के चौथी बना करके और रजिस्ट्री भी कर चुका है। हाँ, और हमारा गांव में आज तक भी स्कूल नहीं बन रहा है, ना बिजली का साधन है ना और कुछ का। अच्छा, ये जमीन क्या आप दान किए हैं या पैसे पे दिए? नहीं, हम अनुदान किए हैं, सरकार को दिए हैं अनुदान दिए हैं जमीन, ये देने का 3-4 साल हो चुका है। क्या बोल के दिए? क्या ये स्कूल बनाने के लिए? हम कितने क्लास तक का स्कूल? 5 क्लास तक। अच्छा, हम इसमें कभी नपाई उपाई हुआ बनने का? हाँ, नपाई तो नहीं हुआ, ऐसे ही मतलब मास्टर लोग बहुत आया आ करके चौथी बना करके लेके लिख के गया है। हाँ, रजिस्ट्री करे हुआ क्या? हाँ, सब कुछ हो चुका है। अच्छा, समझे? कितने साल पहले हुआ होगा? 3-4 साल अभी में जी साल 2-3 साल रखो, 2-3 साल पहले आप जमीन? हाँ, जमीन पहले दिए हम, रजिस्ट्री कर चुके हैं। स्कूल दिए बच्चे के लिए, बच्चा का खातिर के लिए, जिसका जमीन दिए बच्चा हम लोग का भाई होगा, बदन में कपड़ा नहीं है, उसको बोलेंगे जमीन दे दीजिए बच्चा पड़ेगा आप लोग का बढ़िया होगा, आप लोग का कि बच्चा आप पड़ेगा तो आप बढ़िया होगा, हम लोग तो कुछ जानते ना, ऊँटा छाप है। आज तक स्कूल बना जमीन रजिस्ट्री दिए, कोई मास्टर भी नहीं आया ना पढ़वाने के लिए, ना कोई मैंने कोई आया, ना मुखिया आया, ना मैंने क्या बोलते हैं इसको, कोई भी नहीं आया। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये दावा है कि उन लोगों ने अपना ज़मीन का एक टुकड़ा भी दे दिया है स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए, जहाँ के 5वीं क्लास तक की पढ़ाई हो सकती है, लेकिन 2-3 साल हो गया है और अब तक उस वहाँ पे उस ज़मीन पर वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसे में अब भी बच्चे यहाँ से किलोमीटर दूर जाते हैं, नेपाल जाते हैं और वहाँ के स्कूलों में पढ़ कर वही सीखते हैं, नेपाली में पढ़ते हैं, हिंदी की पढ़ाई वहाँ होती नहीं है, नेपाली में सीखते हैं और नेपाल का ही गुणगान गाते हैं, यहाँ की जो भारत की चीज़ों को, यहाँ की हिस्ट्री को, यहाँ की ज्योग्राफी को यहाँ के बच्चे नहीं सीख रहे हैं बल्कि नेपाल का गुणगान गा रहे हैं और वहीं की चीज़ों को सीख रहे हैं। यहाँ के बच्चों से पूछिए तो बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पता है, सिर्फ वोट से जिस चीज़ का मतलब है उस चीज़ के बारे में पता है, और नेपाल का पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था उसका भी नाम पता है, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है उसके बारे में पता है, और नेपाल का राष्ट्रगान तो उनको जुबान याद है ही, यह आपने सुना। आपके इलाके में भी विकास अगर ऐसे ही लापता है, सुस्त है या सो गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम विकास को कॉल लगाएंगे और पूछेंगे विकास तुम कहां हो।